से हूँ। कुछ दिनों पहले अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हुई, तो मैंने चेकअप के लिए इंटरनल हॉस्पिटल में जांच वगैरह करवाई, तो वहाँ पे मेरे ASD डिफेक्टिव बताया, जो बेसिकली हम कहते हैं दिल में छेद। तो इसके उपचार के लिए वह चिरंजीवी योजना थी नहीं, तो इतने पैसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपने रूमटा हॉस्पिटल का उन्होंने नाम लिया या जाँच वगैरह करवाई। तो यहाँ डॉक्टर अजय शर्मा और नवनीत जी गर्ग से मिले, तो उन्होंने इसके लिए कहा कि आपकी बड़ा चीरा ना लगा कि हम छोटे चीरे से आपका इसका इलाज कर देंगे, ताकि आपको जल्दी स्वस्थ हो और जल्दी आप अपने काम में वापस कर सको। तो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और मैं डॉक्टर अजय शर्मा और नवनीत जी गर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने मेरी इस बीमारी को अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया, और यहाँ का सभी स्टाफ उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमेशा पेशेंट की देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरी ये सर्जरी नई टेक्निक MICS के द्वारा की गई है। डॉक्टर अजय शर्मा और नवनीत सिंह गर्ग जी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, ताकि कम उम्र में मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए बिल्कुल छोटे से चीरे के द्वारा ये सर्जरी की गई, दिल के छेद को बंद किया गया। इसके लिए मैं इनको बहुत बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, और यहाँ के स्टाफ, यहाँ की साफ सफाई और यहाँ का कैंट मेंटेन है जो बहुत अच्छा है। मेरा नाम मोहित दहिया है और ये मेरे साले साहब हैं, जिनके काफ़ी दिन से परेशानी हो रही थी कि सीने में दर्द हो रहा था अचानक से, तो हमने काफ़ी डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, इंटरनल हॉस्पिटल में संपर्क किया, तो वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे तो चिरंजीवी की सुविधा नहीं है, तो हम नॉर्मल मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमने उनको कहा कि सर कोई चिरंजीवी में हो जो आपके आपसे ही रिलेटेड हो, इंटरनल से ही रिलेटेड हो, तो उन्होंने रोंगटा हॉस्पिटल के लिए सजेस्ट किया हमें, तो हम यहाँ रोंगटा हॉस्पिटल में आए और यहाँ पे चिरंजीवी के तहत इनका ऑपरेशन किया। डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर नवनीत सिंह गर्ग जो जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी जैसे छोटे छोटे नई तकनीक से जो भी हैं सर्जरी वगैरह ये कर चुके हैं, तो इन्होंने है ना बिल्कुल बारीक चीरे से जो नई टेक्नोलॉजी है उसके तहत ज़्यादा बड़ा चीरा ना लगा कि इनको आगे परेशानी हो, इस चक्कर में छोटे चीरे से इनका इलाज किया और अभी ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी जैसे इनको ऐसे है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, और यहाँ का स्टाफ वगैरह भी काफ़ी जैसे अच्छा है, हर चीज़ में जैसे सपोर्ट किया है इन्होंने, या साफ सफाई हो या कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल हमें जैसे कोई परेशानी भी नहीं हुई, और अब ये पूरी अच्छी तरह से स्वस्थ है, और 3-4 दिन हो गए जैसे ऑपरेशन किए हुए, अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आज डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये काफ़ी स्वस्थ हैं, अब आप इनको घर ले जा सकते हैं और घर पे थोड़ी बहुत केयर करना, और जो भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो वापस से दोबारा से यहाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का आपके लिए हमेशा अवेलेबल मिलेंगे हम, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का और रोंगटा हॉस्पिटल का।